हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है, आपने मेरा पिछला चैनल देखा होगा इन्फोटेक सेस नाम से। इस चैनल पे मैंने आपके लिए बेसिकली इथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर चलूंगा कि इथिकल हैकिंग में या जो भी हमारा पेनेट्रेशन लैब था या जो भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रैक्टिकल थे, तो उन सारी चीज़ों पर कैसे हमें काम करना है, सारी चीज़ों को सीखेंगे। गाइज, मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको सारे अपडेट हमारे चैनल से रिलेटेड मिलता रहे। गाइस, ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ जो कि काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन विंडोज 10 के साथ मैं बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखा है। तो विंडोज 10 जो इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसके साथ ड्यूअल बूट करना चाहता हूँ। गाइस, ड्यूअल बूट करने के लिए थोड़ा सा विंडोज के साथ जो काली लिनक्स आप इंस्टॉल करोगे, थोड़ा सा वहाँ से कॉम्प्लिकेसी आती है कि दोनों, एक तो वेंडर पड़ जाता है हमारा काली लिनक्स और एक पड़ जाता है हमारा विंडोज 10, तो दोनों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है कि हमारा पर्टिकुलर जो विंडोज है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा अगर आप प्रॉपर वे से विंडोज काली लिनक्स को इंस्टॉल नहीं करोगे। तो गाइस, हम आपको बताते हैं कैसे विंडोज 10 के साथ काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप काली लिनक्स के थ्रू कितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, जो भी पेनेट्रेशन लैब और इथिकल हैकिंग के हैं, साइबर सिक्योरिटी के हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहीं पर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। और डिस्क मैनेजमेंट में क्यों जाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा। इस थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाँ जी, अभी आपको दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ आपको ये पार्टीशन, तो आपको दिख रहा होगा। तो इस पार्टीशन में देखिए, जो मेरी हार्ड डिस्क है, इसमें पर्टिकुलर जो 500 GB की हार्ड डिस्क है, मैंने सी ड्राइव के लिए विंडोज़ के लिए 3 पार्टीशन और 78 GB का पार्टीशन फ्री रखा है। तो कम से कम 30 GB, 40 GB, 20 GB का पार्टीशन आप फ्री रखोगे काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। गाइज, इसके बाद आगे के जो प्रोसेस हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आगे के प्रोसेस के लिए गाइज क्या करना होगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो ये अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अनलोकेटेड स्पेस होना चाहिए, तो मैं काली लिनक्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर पे ब्राउज़र को खोलना होगा और इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा, और साफ आप यहाँ पे लिखोगे google.com। और google.com करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना और लिखना है काली लिनक्स। सिंपल काली लिनक्स लिख के आप इंटर कर दोगे, सबसे ऊपर ऑफिशियल काली लिनक्स डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको आगे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है सबसे लेटेस्ट। तो आप HTTP के थ्रू या टोरेंट के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जब HTTP पे क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2.97 GB का ये है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कम्प्लीट डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए रूफूस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज, रूफूस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप रूफूस डाउनलोड लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लिंक जाना है और रूफूस सॉफ्टवेयर आप यहाँ से देखिए डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद इसको आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और जैसे मान लिया मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए अभी छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है। अब ये डाउनलोड हो जाने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, काली लिनक्स पड़ा होना चाहिए। तो शायद मैंने यहाँ पर कहीं काली लिनक्स, ये देखिए कुछ है, CentOS विंडोज सर्वर और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ही काली लिनक्स की भी इमेज पड़ी होगी। एक्चुअली मैं पेन ड्राइव को ऑलरेडी बूटेबल बना रखा हूँ, तो वो सारी चीज़ें, तो इसको नो कर देना है। और यहाँ पे देखिए भी पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रहे, तो पेन ड्राइव डिटेक्ट हो जाएगी। और आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट ISO फाइल, और दिस PC में जाके जहाँ कहीं भी ISO फाइल रखा आप वहाँ से इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, जैसे मान लिया यही हमारा विंडो काली लिनक्स का बूटेबल है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपकी पेन ड्राइव होगी उसको स्टार्ट कर दोगे, बूटेबल बन जाएगा। उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर को बूट कर लेना है। बूट करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर जो भी मल्टी बूट हो रहा होगा उससे आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को बूट करना है। तो मल्टी बूट में जाकर फिर पेन ड्राइव आप सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे करना है, आप देख रहे हो कि मेरा यहाँ पे हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है और HP की पेन ड्राइव डिटेक्ट कर रही है। तो मुझे क्या करना है, HP की पेन ड्राइव जो भी हमारा सेलेक्ट कर लेना है बूटेबल, और इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रेस एस्केप टू बूट, या थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं और अपने आप ये बूट हो जाएगा, देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे काली लिनक्स से ये बूट हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना और देखो यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल दिया हुआ है। ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है और आपका कंप्यूटर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ गाइस, और थोड़ा सा ये प्रोसेस लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये बूट हो रहा है।
और बूट होने तक वेट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कंप्यूटर बूट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है तो इंग्लिश पे ही हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर दिया हुआ है कंट्री, तो हमारा यूनाइटेड स्टेट कंट्री जो भी है आपकी कंट्री उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है तो अमेरिकन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन ये क्लिक जो भी है सेलेक्ट कर रहा है इसको करने देंगे। डिटेक्ट एंड माउंट सी डी रोम, मतलब ये डिटेक्ट कर रहा है और सी डी रोम में माउंट करने की कोशिश कर रहा है जो भी हमारा ये बूटेबल मीडिया है। तो देखो यहाँ पे लोडिंग फाइल हो रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गाइज आपको वेट करना है जब तक ये लोड नहीं हो जाता है, और लोड होने के बाद आपको डुअल बूट के लिए क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है और मैं उसको बताऊंगा। गाइज काली लिनक्स को आप वर्चुअल बॉक्स पे भी इंस्टॉल करके देख सकते हो, बहुत प्रॉपर वे से इंस्टॉल हो जाता है और बढ़िया काम भी करता है। बट अगर आप बेस मशीन पे करना चाहते हो तो कैसे करोगे ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो गाइज डिटेक्टिंग डिटेक्ट नेटवर्क हार्डवेयर यहाँ पे लिख कर आया, तो मैं इसको वेट करता हूँ और हार्डवेयर को डिटेक्ट करने देते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पे, तो गाइज वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेक्ट कर लिया और ईथरनेट को डिटेक्ट किया, और जो भी हमारा वाईफाई जितने भी कार्ड लगे हुए हैं सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके ये मतलब बेसिकली नेटवर्क की सेटिंग कर रहा है। देखो काली लिनक्स या लिनक्स का कोई भी जो वेंडर है ना, वर्जन है, वो इतना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो हमें बताता है कि कैसे हमें अपने कंप्यूटर पे जो भी आपको कोई भी हार्डवेयर डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट सारे ड्राइवर को एक्टिवेट कर देता है जो भी आपके कंप्यूटर पे लगे होते हैं। एक बहुत बड़ी ये खासियत है काली लिनक्स या लिनक्स के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर नेटवर्क ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फेल तो इसको रहने देते हैं, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन फेल हो गई कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगर नेटवर्क मैनुअली और यहाँ पे डू नॉट कॉन्फ़िगर, तो हमें नहीं अभी कॉन्फ़िगर करना, हम नेक्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यहाँ पे आपके होस्ट नेम को देना है, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ इन्फो टेक्सेस, तो मैं यहाँ पे दे दिया। एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा, कंटिन्यू क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद रूट का पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पे दे दोगे। रूट मतलब आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या दे रहे हो, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। फिर यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कन्फिगर द क्लॉक, तो कन्फिगर द क्लॉक मतलब जो भी आपका है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टर्न जो भी लिखा हुआ है हम वही रहने देते हैं, या सेंट्रल आप ले सकते हो यहाँ से जो भी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम रहने देते हैं। बाद में भी हमें टाइम मिलेगा या ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे काम आगे कर रहा है, पार्टीशनिंग डिस्क अभी पार्टीशन बनाने के लिए आएगा, गाइडेड पार्टीशन या जो भी है। तो यहाँ पे मैनुअल पार्टीशन आपको सेलेक्ट करना है अगर डुअल बूट करना चाहते हैं तो मैनुअल पार्टीशन सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप देखो यहाँ पे फ्री स्पेस दिया हुआ है 83.9 GB, तो फ्री स्पेस दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे पेन ड्राइव डिटेक्ट कर रहा है। फ्री स्पेस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू पार्टीशन पे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मान लिया मैं 40 GB देना चाहता हूँ अपने जो भी है मेरा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए, तो 40 GB मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंड देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। 40 GB लिखने के बाद कैसा प्राइमरी पार्टीशन चाहिए, लॉजिकल चाहिए, तो प्राइमरी पार्टीशन पे सेलेक्ट करके क्या कर देना है, बिगनिंग या एंड करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे बिगनिंग ही रहने दोगे। तो मैं यहाँ पे बिगनिंग क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ EXT4 फाइल सिस्टम, ये दिया हुआ है बिल्कुल EXT4 फाइल सिस्टम ही चाहिए, और डन। और यहाँ पे क्या कर देना आपको, देखो टिपिकल यूसेज एंड माउंट डिवाइस ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखता हूँ कुछ और ऑप्शन तो नहीं हम लोगों को करना है, नहीं फिलहाल कुछ नहीं करना है। बूट फ्लैग जो दिया हुआ है इसको आप क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। बूट फ्लैग को ऑन कर देने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे डन सेटिंग और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन स्पेस बचा हुआ है जो स्वैप पार्टीशन देना जरूरी है, तो फ्री स्पेस दोबारा से सेलेक्ट करके मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पे दिया हुआ है ये, सॉरी यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, अनयूजेबल 43.9 GB, और यहाँ पे जो 43.9 GB है मैं इसी पे क्या करता हूँ पार्टीशन बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हाउ टू यूज़ दिस फ्री स्पेस। कंटिन्यू करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या है, द फ्री स्पेस स्टार्ट फ्रॉम इतना इतना एंड एंड्स इतना, ठीक है क्लोज मैं करता हूँ। और बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं देखता हूँ एक मिनट फिर आपको बताता हूँ। गाइस प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो आपका पार्टीशन है, जैसे मैंने 70 GB का भी नया पार्टीशन बनाया, 13 GB यहाँ पे खाली है, मैंने ये लिनक्स के लिए बनाया, तो ऑलरेडी मेरा प्राइमरी पार्टीशन यहाँ पे 3 बन चुका है और एक ही प्राइमरी पार्टीशन और बन रहा था, इसलिए हमारा ये क्या कर रहा था, काली लिनक्स को स्वैप रैम के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा था। तो आप क्या करोगे यहाँ से, जब आप पार्टीशन बना रहे थे, जैसे मैं इसको स्टार्ट से क्लिक कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस 83 GB था, तो सेम मैं पहले की सिचुएशन में आ गया, पहले के प्रोसेस में सेम, इसको नेक्स्ट करता हूँ क्रिएट न्यू पार्टीशन, और यहाँ पे मैं मान लिया
कि 70 GB स्पेस दे देता हूँ, 70 GB का कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशन से लेकर लूँगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन, 4 पार्टीशन ऑलरेडी मेरे पास है, तो आगे इसलिए नहीं होगा, तो आप लॉजिकल सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट करने के बाद बिगनिंग सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे बूट फ्लैग ऑन कर लेंगे यस करके। उसके बाद आपको क्या करना है, डन पार्टीशन एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है गाइस। उसके बाद फ्री स्पेस आपका है, फिर उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, क्रिएट अ न्यू पार्टीशन पे जाना है, क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 GB रैम के लिए दे दोगे। जैसे मान लिया कि जो भी आपका रैम स्पेस है उतना आप यहाँ पे दे देंगे, तो 2 GB हम दे देते हैं। क्लिक करते हैं, बिगनिंग पे जाते हैं और यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इस पर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे स्वैप एरिया सेलेक्ट करके, जो कि रैम के लिए, इसको इंटर कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे बूटेबल फ्लैग जो भी है ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पे जाना है, कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे फिनिश पार्टीशन डिस्क और यहाँ पे क्या कर देना है इस तरीके से, राइट द चेंजेस पे, राइट द चेंजेस टू डिस्क, क्या आप जो भी चेंजेस की राइट करना चाहते हैं, हाँ जी, उसके बाद यस करके आपको क्या कर देना है, पार्टीशन फॉर्मेटिंग, पार्टीशन पे क्लिक कर देना है। अब ये कंटिन्यू आगे अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर वेट करना गाइस यहाँ पे इंस्टॉलिंग सिस्टम तक, और ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, लंबा लगेगा, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। आगे आपसे फिर मिलता हूँ कि इसके आगे क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। सेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका था यहाँ पे आ जाएगा, यूज़र नेटवर्क मिरर, अगर आप करना चाहें तो यस करके नेटवर्क मिरर कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, अभी पैकेज मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन का एक टूल आएगा या एक ऑप्शन आएगा जो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बट थोड़ा सा वेट करना होगा। तो कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर यहाँ पे आ रहा है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ इंस्टॉलिंग ग्रब बूट लोडर, ग्रब बूट लोडर ये होता है कि आपको विंडोज 10 के साथ जो बूट कराएगा वो यही ऑप्शन है जो कि उसके साथ आपको वो बूट कराएगा। तो इसके लिए आपको आपके उसी हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करना होता है जिसमें आपका विंडोज 10 पड़ा हुआ है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन आया कि इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर टू द मास्टर बूट रिकॉर्ड, तो यस कर लेना आपको और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इंटायर डिस्क में या आपका जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव भी HP का है, ऊपर पूरी हार्ड डिस्क है, तो पूरा हार्ड डिस्क इंटायर पे बिल्कुल कभी नहीं आप करेंगे, ना ही आप अपने USB ड्राइव पे करेंगे, आप अपने हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, और जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट होगा विंडोज 10 के साथ यहाँ पे आ जाएगा, आपको कुछ भी इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ और देखता हूँ, और जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट होता है तो आप अपने पेन ड्राइव को क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, अदरवाइज आपका कंप्यूटर क्या होगा, पेन ड्राइव से फिर से बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर वेट करना है, और जैसे इंस्टॉलिंग ग्रब बूट लोडर कंप्लीट होता है आपका विंडोज 10 के साथ काली लिनक्स इंस्टॉल मिलेगा। तो चलिए गाइस थोड़ी सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऑप्शन आता है और कैसे आपको आगे का कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये ऑप्शन है फिनिश द इंस्टॉलेशन, और जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे फिनिश द इंस्टॉलेशन पे, तो ये फाइनल आपका जो ग्रब बूट लोडर था यहाँ पे कंप्लीट पैकेज को अपडेट करते हुए सारी चीज़ें इंस्टॉल कर देगा, एंड देन आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट होने के बाद आपको दोनों बूट करने को ऑप्शन आएगा, लाइक विंडोज़ 10 के साथ काली लिनक्स भी। तो यहाँ पे बस गाइस ये कंप्लीट होने देते हैं और कंप्यूटर को रीस्टार्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है और देखते हैं क्या हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन मिलेगा गाइस, थोड़ा और वेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पेन ड्राइव से बूट नहीं होना चाहिए, तो जब पेन ड्राइव से बूट नहीं होगा पेन ड्राइव आप निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है काली लिनक्स या विंडोज़ 10, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो विंडोज़ 10 आपको मिल जाएगा, शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे देख रहे हो विंडोज़ 10 का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक विंडोज़ 10 ये अभी आपको दिख गया, ये विंडोज़ 10 है, तो ये विंडोज़ 10 का ऑप्शन मिल जाएगा लाइक इस तरीके से। और ऊपर सबसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, काली का ऑप्शन दिया हुआ है काली, और नीचे विंडोज़ 10, तो आपने क्या करना है काली इंस्टॉल कर देना। अब आप समझ गए ना विंडोज़ 10 के साथ काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे, और आप यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे और आपका काली क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और आपका ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ चीज़ें क्लीन कर रहा है, ब्लॉक्स बना रहा है, तो ये सारी चीज़ें होने देना, और आप उसी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे जो आपने अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड दिया था। तो यहाँ पे रूट से ये लॉगिन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो काली लिनक्स को लॉगिन कैसे करते हैं गाइज़ आप यहाँ पे देख लो ध्यान से। तो अभी मशीन को ऑन होने देते हैं,
और यहाँ पे अभी आ जाएगा एक वेलकम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, जो कि आपका सेम विंडोज 10 में जैसे आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आ गया ये। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। अब तो यहाँ पे जैसे मेरे कंप्यूटर का यूज़र नेम रूट है, और मैं इसका पासवर्ड जो देता हूँ उसको क्या देता हूँ आपको, पासवर्ड जो मैंने दिया था वो मैं देकर आपके कंप्यूटर से, मतलब अपने कंप्यूटर पे लॉगिन हो जाता हूँ। अब देख रहा हूँ यहाँ पे हमारा कंप्यूटर यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद कैसे यूज़ करना है हर चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से गाइस पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। अब यहाँ पे दे रहा सेव हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें, तो नो कर दीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है। और यहाँ पे आपका देख रहे हो इस तरीके से ऑप्शन आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा जो काली इंस्टॉल हुआ है कुछ अलग तरीके से यहाँ पे लग रहा है, और काफ़ी अच्छा विंडोज़ है। चीज़ें देखिए कितना बढ़िया से आपको काम करेंगी और चीज़ें काम करेंगी, आपको शायद मज़ा आएगी चलाने में। तो गाइज़ हम लोग आगे का जो भी काम करेंगे प्रैक्टिकल पर्पज़ से वो इसी पे करेंगे, और चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे क्या है कैसे है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। गाइज़ ये जो नया चैनल है आपको इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर हम लोग बातें करेंगे प्रैक्टिकल पर्पज़ से, मैंने इस चैनल को बनाया। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड